नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अस्पतालों के बिलों से परेशान आम आदमी के पैसे ना चुकाने या पैसे ना होने पर इलाज में चूक जैसी खबरें तो आप सुनते ही होंगे। बड़े बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े बिलों की मार झेल रहे गरीब की मौत पर भी अस्पताल के कान में जू नहीं रेंगती, और तो और मरीज के मर जाने पर भी निजी अस्पताल बिलों को बढ़ाते रहते हैं। परिजन रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन अस्पताल उनकी चीखों को अनसुना करके अपनी तिजोरियां भरता रहता है। संवेदनहीनता की सारी सीमाएं तो तब पार हो जाती हैं जब अस्पताल अपनी पाई पाई ना चुक जाने तक शव अपने कब्जे में रखता है। इसे लेकर जल्द कानून में बदलाव होने वाला है। बता दें कि ये नया बिल गरीबों को राहत देने का काम करेगा। इस नए कानून के मुताबिक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाने पर नर्सिंग होम को शव उसके रिश्तेदारों को सौंपना ही होगा। यानी कि बिल का भुगतान नहीं किए जाने के आधार पर नर्सिंग होम शव को अपने पास नहीं रख सकता। बता दें कि इसके लिए नर्सिंग होम में भर्ती मरीज के परिजनों को मरीज की बीमारी और उपचार की कंडीशन के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही नर्सिंग होम को अपने डॉक्टरों की सारी जानकारी और योग्यता अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर लगानी होगी, जिससे परिजन मरीज के उपचार और जांच के रिपोर्ट्स के बारे में दूसरे डॉक्टरों से भी राय ले सकें। इसके अलावा अस्पतालों को पंजीकरण करने वाले स्थानीय निकाय को अस्पताल के लिए शिकायत और निवारण के लिए एक टीम तैयार करनी होगी। दरअसल राज्य सरकार इसके लिए महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार के इस आशय की जानकारी सहायक सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे ने बॉम्बे हाई कोर्ट को दी है। उन्होंने न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ के सामने महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन नियमों में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा पेश किया है। सुनवाई के दौरान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रुई रॉड्रिक्स ने कहा कि हमें सरकार की ओर से तैयार किए गए इस मसौदे के बारे में जानकारी नहीं है। उनके मुवक्किलों को इस मसौदे को लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद खंडपीठ ने सरकार की ओर से महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर सुझाव देने के लिए 2 सप्ताह तक का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें अस्पताल के मनमाने बिल और बिल के भुगतान न करने पर मरीज को अस्पताल में हिरासत में रखने के मुद्दों को उठाया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।